मांसपेशियों से एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं हाईटेक हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर आफरीन से। बता दें डॉक्टर आफरीन ने हाल ही में एक 24 वर्षीय युवती का सफल ऑपरेशन जबड़ों का किया है। हमारे चेहरे का सबसे ज्यादा लुक जो है सिर्फ चेहरे में जबड़ों से आता है और जबड़े ही हमारी मुस्कान बयां करते हैं। तो डॉक्टर आफरीन ने जिस 24 वर्षीय युवती का ऑपरेशन किया है वो अपने बीमारी को लेकर तकलीफ को लेकर काफी सोचती थी और इन्होंने उसकी सोच को सोचते हुए देखते हुए उसके सफल ऑपरेशन को किस तरह किया ये हमसे साझा करेंगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बताएंगे किस तरह का ऑपरेशन था जो आप 24 वर्षीय युवती पूनम जिसका नाम बता रहे हैं उसका की। हेलो गुड इवनिंग। एक्चुअली अभी आज हम जिन पेशेंट के साथ हैं बहुत अच्छी मेरी पेशेंट पूनम रावते, इनकी समस्या ये थी कि इनका फेस की डिफॉर्मिटी एक कंडीशन होती है जो बचपन से ही किसी भी इंडिविजुअल को हो सकती है, जिसमें जबड़े की पोजीशन आगे पीछे या सही तरीके से संतुलन ना मिलना उस चक्कर में वो फेशियल डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो जैसे अगर इन पेशेंट की बात करें तो इनका नीचे वाला जबड़ा काफ़ी हद तक बाहर था और ऊपर वाला पीछे था, जिसके कारण ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा आपस में नहीं मिलते थे और ना पेशेंट मुंह पूरी तरह बंद कर सकते थे, ना पूरी सही तरीके से बात कर सकते थे, आवाज़ भी या शब्दों का जो उच्चारण है वो भी काफ़ी हद तक ये था प्रॉब्लमेटिक था। तो इस कंडीशन को हम फेशियल डिफॉर्मिटी बोलते हैं जिसमें जॉ डिस्क्रिपेंसी हो जाती हैं जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। असल में ये ऑपरेशन को अपन ऑर्थोपेडिक सर्जरी बोलते हैं। जैसा आपने बहुत अच्छे से बोला आपकी स्माइल हर और आपका लुक आपका कॉन्फिडेंस हर चीज़ आपके चेहरे से ही आती है, क्योंकि अगर किसी से भी मिलते हैं चेहरा ही पहला वो चीज़ होती है जो कोई आपके लिए आपके नाम को रिलेट करता है और उसे देखता है। तो सिमिलरली ये जो पेशेंट हैं इनका जबड़ों की पोजीशन कुदरती तौर पर सही नहीं थी और वो इस तरीके की थी कि उनका नॉर्मल दिखना तो एक बात है ही है, प्लस खाना पीना बातचीत हर चीज़ अफेक्ट होता है एंड उस सारी चीज़ों को लेके एक पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस और पेशेंट की काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती हैं, पेशेंट आइसोलेट हो जाते हैं सोसाइटी से क्योंकि उनके लुक की वजह से। तो ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी की मैं आपको बात कर रही हूँ ये एक ब्रांच है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की, और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में यहाँ बताना चाहूँ हर वो चीज़ जो आपके फेस मुंह और जबड़ों से रिलेटेड होती है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के दायरे में आती है। आगे जो जबड़े हैं वो भी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के ही पार्ट हैं, जिसमें से एक अलग ब्रांच है जिसमें उनकी पोजिशनिंग के लिए अपन एक नाम देते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जहाँ पे अच्छी जगह जिस जगह पे वो जबड़े ज़्यादा अच्छा लुक दे पाए फेस को उस जगह पे हम उन्हें पोजीशन करना रहता है अगर वो कुदरती तौर पे ना पोजीशन हो तो। सो यही हमने उनका किया है, उनके जबड़ों का तालमेल थोड़ा गड़बड़ था, दांतों का तालमेल गड़बड़ था, जिसके चलते उनका ओवरऑल लुक कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। तो हमने उनको जबड़े को और उनके दांतों को सही पोजीशन पे किया है जिससे उनको हर फील्ड में चाहे वो लुक्स हो चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो कॉन्फिडेंस हो हर चीज़ में उनको बेनिफिट मिला है। जो ये होना है क्या इसको चाहे उनसे ये तकलीफ थी? बिल्कुल, इनका क्या होता है जब बच्चे की ग्रोथ होती है उस समय अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कई बार ट्रॉमा के चलते हो जाता है या कई बार ऐसी चीज़ें कि उसको कंजनेटली या जेनेटिक तौर पे ही अगर कुछ है, जैसे इनके साथ कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं थी कि कहीं गिरी हो चोट लगी हो, लेकिन कुदरती तौर पे ही इस तरीके का हो गया कि नीचे का जबड़ा बाहर निकलता चला गया और ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में कोई तालमेल नहीं बचा। तो ये उन्होंने रियलाइज किया 15-16 साल में जब उनको लोग देखने लगे, उनको बताने लगे, पेशेंट से ज़्यादा दूसरे लोग उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों से अलग दिख रहे हो। तो जब वो ये रियलाइज करते हैं तो इंसान दो ही काम करता है, या तो उस चीज़ के लिए ऑप्शन ढूंढता है या तो आइसोलेट होकर अलग हो जाता है। तो पहले वो आइसोलेट हुई, देन सेकेंड स्टेज पर उन्होंने ऑप्शन ढूंढना शुरू किया जब हमारी मुलाकात हुई और वो आई और वो चीज़ उन्हें बताया हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि वो ठीक हो सकता है। और बेसिकली पेशेंट को काफ़ी हद तक वो अवेयरनेस नहीं होता कि ये क्या प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे किसके पास जाना है और कौन मेरी इस बीमारी को ठीक कर पाएगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी एक दफ़ा कि वो हमसे पेशेंट अपने यहाँ पे गिल्ट भी महसूस करता है क्योंकि जब चेहरा ऐसा होता है जो हमारे अंदर का दुख या सुख प्रकट करता दिखाता है, उसमें अगर चेहरा नहीं फिर बैठे तो बताएंगे कि पूनम ये कितने कब से यहाँ पर ट्रीटमेंट कराए थे? ये नियरली 22 साल की उम्र में जब पहली बार दिखाई थी तो इनके सब एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह सारी चीज़ें हुई। तो पहले अपन डेली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें जिन केसेस में अपन डेली सर्जरी करते हैं और बाद में दांतों को करेक्ट पोजीशन पे लाते हैं, बट इनका केस ज़्यादा सीवियर था कि सर्जरी से पहले भी अपने को थोड़ी दांतों की सेटिंग करनी थी। तो पहले हमने इनका दांतों का इलाज करवाया जो ऑर्थोडॉन्टिस्ट करते हैं और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने इसके दांतों को उस पोजीशन में लाया जिस पोजीशन में हमें सर्जरी के दौरान चाहिए।
उन्होंने दांतों का पोजीशनिंग नियरली 1 से 1.5 साल में वो पूरी पोजीशन की और हमारी पेशेंट बहुत आराम से और सबर के साथ काम लिया और उसने पूरे 1.5 साल थ्रू आउट द ट्रीटमेंट वेट किया कि हाँ पहले मेरे दांत सेट हो रहे हैं और अब मेरा जबड़ा सेट होगा। उसके बाद फिर हमने जबड़े की सर्जरी की। जैसे कि 2 साल का सफर, क्या ये जो ट्रीटमेंट है महंगा होता है? क्योंकि आमतौर पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनमें ऐसी समस्याएं हो तो वो क्या इलाज कराना सोच सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं सोच सकते। आप सोचिए एक इंसान का अगर एक्सीडेंट हो जाए, एक इंसान को अगर चोट लग जाए या मोच ही क्यों ना आ जाए या कुछ भी क्यों ना हो जाए, लोग उसके बारे में सोचते हैं एक्सीडेंट हुआ तो ठीक कराएंगे, तो ये भी तो एक तरीके की बीमारी हुई तो इसका लोग इसके साथ जीना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो सोच रहे हैं उसको बहुत महंगा बना देते हैं। अगर किसी का ऑपरेशन होता है, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, लोग जाते हैं कराते हैं, ये उसी तरीके का ऑपरेशन है। थोड़ा इसमें कॉस्टिंग में ये नहीं बोलूँगी बहुत कम होता है, लेकिन इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की रेंज से बाहर है, ऐसा बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि ऑर्थोडॉन्टिस्ट इन्वॉल्व रहता है, सर्जन इन्वॉल्व रहता है, टीम एफर्ट होता है, तो उनका भी समय, मटेरियल, इम्प्लांट्स जो लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अपन बॉडी के लिए एकदम लो क्वालिटी इम्प्लांट्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो उनकी बॉडी में ताउम्र रहना है, तो कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इतना भी कॉस्टली नहीं है कि कोई इंसान इसके बारे में सोच नहीं सकता। बट हाँ, एक नॉर्मल जैसे एक्सीडेंट होता है, थोड़ा एक अमूमन रहता है कि हाँ एक खर्चा रहता है, और वो क्या इस पर बहुत डिपेंड करता है। किसी लोगों की डिफॉर्मिटी इतनी है कि उनका बहुत कम रेंज में हो जाएगा, किसी की डिफॉर्मिटी इतनी ग्रॉस है कि उसका स्टेज प्रोसीजर करना पड़ेगा, किसी में सिर्फ एक ही जबड़े में करेक्शन आ जाता है, किसी के दोनों जबड़े को करेक्ट करना पड़ता है, किसी के दोनों जबड़े, नाक और आँख की बोन को भी करेक्ट करना पड़ता है। तो किस हद तक उसकी डिफॉर्मिटी है उस सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करता है और ट्रीटमेंट प्लान के बेसिस पे कॉस्टिंग आती है। एक और चीज़ की कॉस्टिंग, कई बार आप कहाँ करा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। बहुत अगर हाई एंड हॉस्पिटल है या बहुत ज़्यादा जहाँ पे मे बी आप कह लीजिए फैसिलिटीज़ ही बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है, नहीं तो एक नॉर्मल रेंज में एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है और आपको बिल्कुल उसके लिए जाना चाहिए क्योंकि वो आपको जितना आपने लगाया उससे कई गुना ज़्यादा आपको देगा, आपकी खूबसूरती लौटाया उससे बड़ा बात है। बिल्कुल, जैसे सामने वाला कॉन्फिडेंट इतना फील करेगा कि वो आगे चल के जो काम नहीं कर पा रहा था वो भी करेगा। पूनम का तो ये बचपन से था जी, लेकिन क्या अगर किसी केस में जैसे आप एक्सीडेंट हुआ या किसी कारणवश किसी भी वजह से उसका जबड़ा जैसे डिस्टर्ब होता है तो भी पॉसिबिलिटी है कि उसके ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हो जाए अपनी अवस्था पे? मोस्टली क्या होता है कि आमतौर पर बच्चे ठुड्डी के बल गिर जाते हैं। अब वो क्या होता है उस टाइम ना माँ बाप समझ पाते ना वो बच्चा समझ पाता है कि मैं गिर गया और थोड़ा टाइम यहाँ सूजन रहेगी, थोड़ा मुंह खोलने में परेशानी रहेगी, लोग उसको दवाई और गोली देके रफा दफा कर देते। वो ये नहीं देखते वो ठुड्डी पे गिरने से इम्पैक्ट दोनों जॉइंट्स पे पड़ रहा है, वो दोनों जॉइंट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है तो धीरे धीरे चल के आप देखेंगे मुंह खुलना की जो रेंज है वो कम होती जाएगी, कई बार मुंह टोटल लॉक हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं, और वो उस चीज़ के साथ थ्रू आउट रहने लगते हैं। कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं भी दिखाते। तो वो अगर टाइमली दिखा दिया जाए या टाइमली जो चोट लगी थी उसको देख लिया जाए तो पहली बात तो इसकी संभावनाओं को ही अपन खत्म कर सकते हैं कि उसे उसी टाइम एड्रेस कर लिया। बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं, एग्रेसिव फिजियोथेरेपी वो अगर अपन कर ले तो उसका जबड़ा लॉक नहीं होगा। और अगर ये चोट बचपन में लगी जब उसकी ग्रोथ बाकी थी तो क्या होगा, अगर एक तरफ चोट लगी एक तरफ का नॉर्मल है तो एक तरफ का जबड़ा अपने नॉर्मल पेस से ग्रो करेगा और अगली तरफ का जबड़ा ग्रो ही नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो गई, तो पेशेंट टेढ़ा देखने लगे तो वो और उस चक्कर में पेशेंट और थोड़ा सा कटते जाते हैं। जबकि उस चीज़ को अगर उस टाइम देख लेते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर वो भी गई है बाद में भी इसके करेक्टिव ऑप्शंस हैं, लेकिन वही है बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसी टाइम अगर देख लेंगे तो आगे चल के उतना बड़ा डिफॉर्मिटी होता ही नहीं है पेशेंट को। और अगर हो भी जाए तो भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे जबड़ों का ऑपरेशन के लिए हमारी जो पूरी नसें हैं यहाँ से पूरी कनेक्टेड होती है, किस तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में इंक्लूड होती हैं। जैसे जो जबड़े की नस आ रही है जब हम प्लान करते हैं वो हमारे प्लान में रहता है कि हम जो प्लानिंग करें उससे वो नस को डिस्टर्ब ना हो, और अगर हो रहा है तो किस हद तक हम अलाउ कर सकते हैं जिससे पेशेंट को कोई फर्क ना पड़े। तो ये सारा पार्ट ऑफ प्लानिंग रहता है जो बहुत मतलब टीडीएस या बहुत ही एक्यूरेट प्लानिंग करने के लिए समय भी लगता है और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि आप हर पॉसिबिलिटी को देखते हुए समझते हुए आगे क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, आगे दांत किस तरीके से मिलेंगे, नस किस तरीके से आएगी, वो हर चीज़ सोच के ही इंसान अपना प्लान करता है और उस हिसाब से उसे एग्जीक्यूट करता है। एक आखिरी सवाल, ऐसे कई लोग हैं कि जिनके जबड़े डिस्टर्ब होंगे या उनके फेस में जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला जो है हमारा हमारे यहाँ से हमारी मुस्कान जो कि जबड़ों से रिलेटेड है,
तो हमारे इसी न्यूज़ के माध्यम से आप जो ऐसे लोग हैं जो अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और किसी कारण से नहीं करा पाए, उनसे एक अपील कर दीजिए कि आप एक सफल ऑपरेशन की है उनका, उनकी मुस्कान वापस लौटा दें। अगर उनके मन में कोई बात, कोई दुविधा, कोई वो है तो आपसे संपर्क करें, आए हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है, जो हुआ हो सकता है, पैदाइशी हो सकता है, चोट लगने के बाद हुआ, किसी भी संभावना से अगर आपका जबड़ा टेढ़ा है या आपको वो पसंद नहीं आता किसी भी रीज़न से, तो पहली बात तो इसमें कोई शर्माने की या घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल होना एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल से अलग होना भी कोई बुरी बात नहीं है। चीज़ों का आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आप ओपन अप हों, पहली बात अपने आप को तैयार करें, हाँ ठीक है ये मेरी एक प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे इलाज ढूंढना है। सबसे पहले आप अपने आप को मनाएं, फिर अगर आप नाबालिग हैं तो माँ बाप, या फिर बालिग भी हैं तो भी परिवार की सहमति ज़रूरी है, उनको समझाएं कि मैं इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद आप ये देखिए कि कौन इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी एक सर्टिफाइड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑर्थोग्नैथिक सर्जन करते हैं, तो आप नियर बाय अपने ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे हूँ, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई किसी भी तरीके का सवाल हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। हम जितना हो सकेगा हम ये कोशिश करेंगे हम आपको आंसर दें और प्रॉपर करेक्ट प्लान दें। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, पूरा उसका प्लानिंग की जाती है एक्सरे, सीटी स्कैन और डेंटल कास्ट इन सब की मदद से, और एक ट्रीटमेंट प्लान बना के आपको देंगे जो आपको बहुत हद तक मुझे उम्मीद है समझ आएगा, पसंद आएगा और उसको आप एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे। और फाइनेंस ऐसा है कि वो एक चीज़ है जिसके चक्कर में आप ट्रीटमेंट प्लान ना रोकें, वो मैनेज हो जाता है। और ये चीज़ ऐसी है कि ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इस हद तक लौटा देगी जैसा आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो बस इसी उम्मीद में मैं आशा करती हूँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, और कुछ भी अगर क्वेरी हो अपने फेस को लेके तो बिल्कुल आप कांटेक्ट में आइए, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। डॉक्टर आफरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने का। थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर आफरीन जी, बता दें हाईटेक हॉस्पिटल में जबड़ों के ऑपरेशन करके इन्होंने एक लड़की 24 वर्षीय पूनम जिसका नाम है उसकी हंसी लौटाई है, जल्द ही उसकी शादी होने वाली है, उसने बहुत खुशी जाहिर की है। और हाईटेक हॉस्पिटल का और डॉक्टर आफरीन का उन्होंने धन्यवाद, शुक्रिया, आभार जताया, नमस्कार। अब अगर थोड़ी बहुत अगर संतुलन बिगड़े तो सिर्फ दांतों के ताज से इलाज हो सकता है, लेकिन अगर हड्डी का ही काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होती है या डिफरेंस होता है तो सिर्फ ताज के इलाज से या ऑर्थो ट्रीटमेंट से उसका इलाज संभव नहीं होता है, जिस कारण मैंने पूनम रावते को भी सर्जरी का सुझाव दिया कि सर्जरी और ऑर्थो ट्रीटमेंट के मिले जुले प्रयास से हम उनको काफ़ी हद तक नियर नॉर्मल कर सकते हैं, जिससे वो बात करने में उनकी परेशानी या उनके खाने पीने में दांतों का मिलना ये सब चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। तो इनका 1.5 से 2.5 साल तक ऑर्थो ट्रीटमेंट हुआ, जहाँ ऑर्थोडॉन्टिस्ट उनके दांतों को सर्जरी के दौरान किस पोजीशन पे लाना है उसके लिए प्रिपेयर किया गया है उन्हें, जिसको हम प्री सर्जिकल ऑर्थोडॉन्टिक भी बोलते हैं। काफ़ी प्लानिंग और प्रिसाइज प्लानिंग और डायग्नोसिस के साथ हमने वर्चुअल प्लानिंग का भी सहायता लिया, जिसमें हम वर्चुअल सर्जिकल प्लानिंग एक VSP करके चीज़ रहती है, जिसकी मदद से हम आगे आने वाले मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो वो सारी आधुनिक तकनीकियों के साथ इनकी प्लानिंग की गई, इनका CT लिया गया, सॉफ्टवेयर में डाला गया, सर्जरी पहले मॉडल पे, फिर आपके सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद सेम चीज़ें पेशेंट पे प्लान की गई, एग्जीक्यूट की गई, और उसका हद तक काफ़ी हद तक उसका नतीजा नियरली 99% 100% सेम निकला। जो हमने प्लानिंग उसमें की थी मॉडल में, वही इनमें एग्जीक्यूट की, और वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमने मैनेज की हैं, और पेशेंट आज उस इलाज से बहुत खुश है, जहाँ पे उनके जबड़े आपस में मिल पा रहे हैं, वो बात कर पा रही हैं, दिखने में जैसे सामान्य लोग होते हैं वैसे दिख पा रहे हैं, और पेशेंट का कॉन्फिडेंस उस चीज़ से काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। तो यही अब पेशेंट अपने मुँह से बताएंगी। पूनम, आप जब आए थे मेरे पास आपको कैसा लगता था, क्या आप बाहर जाते थे? नहीं जा पाते थे, ना बोल सकते थे, नहीं बाहर तो जाते थे, नहीं जाते थे, दोस्त वगैरह या किसी के साथ मिलना जुलना पसंद ही नहीं था। कहीं उसकी वजह ऐसी थी कि आपका जॉब का सही पोजीशन पे ना होना, या फिर चेहरे का अलग दिखना लोगों में अलग, या कोई किसी अलग नाम से बुलाता है, ये कोई वजह थी? बोलते थे लेकिन सामने नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिर पीछे बोलते थे, बुरा लगता था मुझे नहीं। ओके, तो ये क्या होता है कि जब जॉ डिस्क्रिपेंसी होती है या फेस डिस्क्रिपेंसी होती है, क्या चेहरा इंसान को
प्रोजेक्ट करता है चार लोगों के सामने। जब उसको चेहरे में ऐसी कोई समस्या आ जाए जिस कारण उसका आत्मसम्मान या उसका एक सेल्फ स्टीम कम हो या लो हो, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एज ए इंडिविजुअल परस्पेक्टिव के पेशेंट कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। और जबकि ऐसी कुछ चीज़ नहीं है कि बहुत जानलेवा है ऐसा है, लेकिन क्या होता है लोगों का उनके देखने के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत डिफरेंट रहता है और पेशेंट अपने ही अंदर अंदर सुखड़ के लोगों से कट ऑफ हो जाता है, पब्लिक अपीयरेंसेस अवॉइड करता है और काफ़ी हद तक पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिप्रेशन या एंजाइटी उन सब के कारण सहना पड़ता है जो पेशेंट बहुत हद तक नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो ऑर्थोपेडिक सर्जरी एक वो ब्रांच है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जिसमें हम चेहरे की कोई भी तरीके की डिफॉर्मिटी, कोई भी तरीके का परेशानी को करेक्टिव जॉब प्रोसीजर्स के साथ एड्रेस कर सकते हैं, जिसमें उनका जो जबड़ा जिस पोजीशन में होना चाहिए हम उस पोजीशन में वापस लाने की या कम से कम नियर जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना करने की कोशिश करते हैं, जो ना कि पेशेंट को सुंदर दिखने में, अच्छे से चबा पाने में, बात करने में सहायता करता है, बल्कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस, पेशेंट की सेल्फ स्टीम और पेशेंट को एक ज़िंदगी जीने की चाह प्रोवाइड करता है, जो अपने में ही बहुत बड़ी बात है। तो आज सेम वैसा ही पूनम रावते फील कर रही हैं, उन्हें आज उस चीज़ की खुशी है और वो बहुत अच्छे से आज यहाँ से डिस्चार्ज हो रही हैं और अपने गांव वालों से मिलने के लिए इच्छुक हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम रावते है, मैं भारत से हूँ। मैं बचपन से ही ऐसी बोल नहीं सकती थी, ना खा सकती थी, छांग का जबड़ा निकला हुआ था। फिर मैं कौन सा जबड़ा निकला हुआ था? नीचे का जबड़ा निकला हुआ था, नीचे वाला जबड़ा निकला हुआ था, जिसके बाद में आसपास कई जगह में पता नहीं कि मतलब ठीक हो सकती है का क्या करके। फिर मैं यहाँ मैम के द्वारा संपर्क हुई, आफ्रीन मैम के द्वारा, उसके बाद उन्होंने बताया कि सर्जरी के द्वारा ही सब फूड ठीक हो जाएगी, वो सब तुम खा सकते करके। फिर मैंने घर में बताया तो घर में भी राजी हुई और आगे की प्रोसेस जारी की। मुझे दो साल डॉक्टर में आर्थो का ट्रीटमेंट किया, फिर उसके बाद सर्जरी करूँ। पहले कैसा था ये? हाथ से सिखाओ। कहाँ तक निकला हुआ था ये? पूरा निकला हुआ था। लेफ्ट दिखाओ। तभी सुंदर लग रहे हो। घर वाले देखे हैं, खुश है सब लोग?